हमारे बीच में नहीं है, क्या कुछ कैसे याद करना चाहिए? इसके लिए आप मेरे सोशल मीडिया पे देखिए, इस पर्सन मिल्खा सिंह हमारे बीच में नहीं है, क्या कुछ कैसे याद करना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए आप मेरे सोशल मीडिया पे देखिए, बट ही वॉज इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर द कंट्री एंड वी जस्ट प्रे फॉर हिम। विश्वास जी, जैसा कि जिम्मेदारी बहुत है, बहुत सारे पेड़ आपके एरिया में, अगर मैं बात करूँ सेवा से लेके सर आए हैं, ड्राइंग किए, तो और कितना ये काम और आगे आने वाले और होने वाला है? या डेफिनेटली, आज 19 जून है, 17 मई का जो साइक्लोन आ गया उसके बावजूद जो भी हमने देखा है, आप सभी को पता है कि इतना सारा नुकसान एनवायरनमेंट का हो गया है, तो इसको नुकसान को कैसे कंपनसेट किया जाए, ये जब हमारे दिमाग में बात आई तो हमने ये कंसेप्ट जो कैंपेन है अडॉप्ट अ वॉलंटरी पिट एंड बी अ गार्डियन ऑफ ग्रीन्स, उसमें ये BMC की तरफ से जो कैंपेन चल रहा है, हमको एसोसिएशन मेगा इज अ मेक अर्थ ग्रीन अगेन, मेगा फाउंडेशन के अनुषा नाम है, रुच नजर के शान जी है, और इनके साथ जब भी अजय सर जैसे सेलिब्रिटी हमको सामने से आते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो काफ़ी हौसला बढ़ता है और उससे हम लोग काफ़ी पेड़ लगा सकते हैं। तो इसी बात को मैं कहना चाहूँगा कि सर से मैं अभी घर पे बात कर रहा था चाय पीते समय, तो सर ने ही सामने से पूछा कि जब भी कोई अगर ऐसा फाउंडेशन के मेरे खुद के फाउंडेशन की तरफ से 1000 पेड़ लगाने के लिए तैयार हूँ, तो ये जो सर का सर अभी बातों में जो आपने बताया, लेकिन उससे फिर हमारा दुगुना नहीं 100 गुना हौसला बढ़ गया, ताकि हम आगे जाके ये कैंपेन को अगर इस तरह से अगर बना सकते तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें मैं सर को तो थैंक यू बोलना ही चाहूँगा, लेकिन सर ने ही इज़ ट्राइंग टू सेट एन एग्जांपल विथ कमिंग युग के साथ, क्योंकि युग ही इज़ द नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन को जो हम शाश्वत विकास की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यही है कि आज